साथ कल मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल के लड़के और टीचर्स आए थे, उन्होंने बर्ड्स के ऊपर एक किताब निकाला। अब वहाँ कोई बर्ड्स का लॉकेट बनियन उसको ब्रांडिंग करके अगर करता है तो एक एक चीज़ बहुत अच्छी बन सकती है। बिकॉज ऑफ नेचुरल एडवांटेज फॉरेस्ट वगैरह हमारे पास है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विदर्भ में कि यहाँ के एंटरप्रेनर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आने चाहिए। राठी जी ने अच्छा रिपोर्ट किया और सब सरकार के भरोसे नहीं होता। मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी कुछ मिलेगी कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों, आपको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। मैंने कहा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं मिलेगी क्या, मिल सकती है। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा, नेचुरल अटक गई। अभी बीच में टेक्सटाइल वालों की इंडस्ट्री बंद पड़ी, उनकी पावर की सब्सिडी नहीं मिली, फिर टेक्सटाइल वाले बंद होने के कगार पर थे। रोज मुझे लोग मिलते कि मैं ऐसी हालत में हूँ, कोई एनसीएलटी में जाना है, सब्सिडी नहीं मिली। तो प्रॉब्लम यही है कि हम हमारे भरोसे प्लान करें।